इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे के सारे एम सी क्यूज़ को विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है महाराष्ट्र सेट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी का जो पेपर है वो पेपर का पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ जैसे ही अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उसको पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ बना के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐप के ऊपर तो ऐप डाउनलोड कर ले ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल करके दिया है आपको और ये सारे पी आपको फ्री में मिलेंगे ऐप में स्टडी मटेरियल का टैब है वहाँ पे एन टी नेट सेट के कैटेगरी में जाके आप बहुत सारे पी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप और टेलीग्राम चैनल भी है वो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहता हूँ और अगर आप, आप अपकमिंग नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो अभी हम सितंबर में होने वाला है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और काफ़ी सारे एम सी के बेसिस पे हम रिविजन करने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी ताकि आपको इससे रिलेटेड अगले नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे आ जाए तो पॉजिटिविटी से हमेशा हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो आज का पॉजिटिविटी कोट है आई कैन आई वॉन्ट टू एंड आई विल तो एनी काइंड ऑफ एग्जाम यू कैन गेट क्लियर बाय दिस थ्री इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस नंबर वन इज आई कैन आई वॉन्ट टू एंड आई विल तो ध्यान से इस पूरे पॉइंट को आपके दिमाग में फिट रखें ताकि आप कोई भी अपने लाइफ का गोल जो है या टारगेट जो है वो अच्छी तरीके से अचीव कर पाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके सामने ये रहा अ सिस्टमैटिक असमेंट ऑफ एंड एक्टिविटी Of on some meaningful definable domain of companies' activities that have a social impact is environmental audit, green audit. सोशल ऑडिट या पब्लिक ऑडिट तो ध्यान से अगर हम ये पूरे सेंटेंसेस को सेंटेंस को पढ़े तो यहां पे आपको दिख रहा है सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है तो सोशल इम्पैक्ट की अगर बात कर रहा है तो कौन से टाइप का ऑडिट होगा एनवायरमेंटल ऑडिट ग्रीन ऑडिट सोशल ऑडिट या पब्लिक ऑडिट तो वो आपका होने वाला है सोशल ऑडिट so तो दैट विल बी द सोशल ऑडिट काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार सेट के पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ़ फ्री ट्रेड तो इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट फ्री ट्रेड के फेवर में नहीं है इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सिस डिविजन ऑफ लेबर ऑन एन इंटरनेशनल स्केल ब्रेक्स द डोमेस्टिक मोनोपोलिज एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री देखो फ्री ट्रेड जो हमारे डब्ल्यू टी ओ का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि सारे कंट्रीज के बीच में क्या हो सारे कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड रहे ठीक है तो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ये तो फ्री ट्रेड होने के लिए यूज होता है डिवीजन ऑफ द लेबर ऑन एन इंटरनेशनल स्केल तो हम लेबर हमारे लेबर को फॉरेन कंट्रीज में भेजेंगे फॉरेन कंट्रीज के लेबर्स को हमारे कंट्रीज में लेके आएंगे बेसिकली दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन एन इंटरनेशनल स्केल ये भी क्या करता है फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है ब्रेक्स द डोमेस्टिक मोनोपोलीज तो डोमेस्टिक मोनोपोलीज ब्रेक करना वो भी क्या करता है फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है लेकिन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री अगर हम फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री का कंजर्वेशन करेंगे मतलब वो सेव करके रखेंगे तो फिर क्या होगा उसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ या फॉरेन कंट्री हमारे साथ कोई भी टाइप का ट्रेड न करे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उनके पास रिजर्व रखे लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि फ्री ट्रेड के फेवर में कौन सा है अगर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमें फॉरन कंट्रीज़ को सर्विसेज देने पड़ेंगे तो ये फेवर में नहीं है ऐसे पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड तो आपका राइट right आंसर यहां पे बनेगा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ दी कंट्री विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगले क्वेश्चन में जाते हैं विच एसे डील्स विथ ऑडिट सैंपलिंग तो एसे फाइव थर्टी एसे फोर हंड्रेड एसे सिक्स वन टेन एसे फाइव हंड्रेड तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा तो ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड कौन सा है ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड है आपका एस ए फाइव थर्टी एस एज रिलेटेड विध ऑडिट सैंपलिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड लर्न बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यूरिंग शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स वेरिएबल कॉस्ट इज अ प्राइम कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है ऐसा बोला है देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता ही होगा दो टाइप के कॉस्ट होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो हम अगर कप, कोई भी चीज़ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चीज़ अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो बेसिकली अगर हम समझो रिटेन अर्निंग्स की बात करें हम तो रिटर्न अर्निंग्स हमने क्या किया खुद के पास रिटर्न किया तो वो अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते तो हमको उससे रिटर्न होता लेकिन हमने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हमने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी टाइप के कॉस्ट को बोला जाता है बिल्कुल सही है ये तो आपका स्टेटमेंट नंबर वन सही है शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं हाँ बिल्कुल सही है शॉर्ट रन में आपके फिक्स फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल कॉस्ट को ही हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ये टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होंगे जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल्स है डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट uh, ओवरहेड्स है दिस टाइप ऑफ कॉस्ट आर बेसिकली कॉल्ड एस प्राइम कॉस्ट बिल्कुल सही है फिर टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट तो ये आपका गलत है मतलब आपका राइट right आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर फोर दैट विल बी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे एवरेज दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इम्पोजिशन ऑफ अ लमसम टैक्स विल रिजल्ट इन डैश ऑफ द बोथ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्ज तो इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स अगर आप लमसम टैक्स इंपोज करोगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट कौ तो कैसे होगा अपवर्ड शिफ्ट होगा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो अगर आप एक साथ ही टैक्स को अप्लाई कर दोगे तो आपका जो ए एफ सी है और ए टी सी है दैट इज कॉल्ड एज दी एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट वो अपवर्ड शिफ्ट होगा ठीक है अगर लमसम एक ही बार आप अगर टैक्स को इम्पोज कर दोगे तो द डिमांड कह फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म इज हॉरिजोनटल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तो अगर हम डिमांड कौ की बात करें जो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म है तो उसके लिए कैसे होगा आपका डिमांड कौ ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है तो राइट आंसर यहां पे बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल सिस्टम तो इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा फंक्शन नहीं किया जाता परफॉर्म नहीं किया जाता देखो सेविंग फंक्शन ये फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है लिक्विडिटी पैसे से रिलेटेड है मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है रिस्क भी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है तो एक ही ऐसा फंक्शन है जो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है और वो है हमारा सोशल फंक्शन तो आपका ये नॉट पूछा था यहां पे मतलब राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सोशल फंक्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस बार सेट में आए थे और कट ऑफ भी काफी कम लगा था बहुत सारे बच्चों का सेट जो है वो क्लियर हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी तो इनमें से कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में वो बेसिकली आपके इक्विटी आपका प्रेफरेंस आपके लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स बॉन्ड्स वो सब से कवर होती है तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज बनाई है जैसे कि नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच फिर मॉडिगिलीनी मिलर अप्रोच ऐसे बहुत सारे थियरीज बनाई हुई है तो इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल अफेक्ट करता है एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ कैश फ्लो भी बिल्कुल अफेक्ट करता है डायल्यूशन ऑफ द कंट्रोल भी बिल्कुल अफेक्ट करता है बट कम्पोजिशन ऑफ द करंट असेट्स ये कोई उसका फैक्टर नहीं है तो ये आपका राइट right आंसर बनेगा बिकॉज यहाँ पे डज नॉट पूछा था तो डज नॉट में क्या आ जाएगा आपका कंपोजिशन ऑफ देखते हैं. सिक्योरिटीज ऑन प्रो रेटा देखो प्रो रेटा का मतलब एज पर द रेशो अगर आपके पास दस शेयर रहेंगे तो आपको दो शेयर मिलेंगे दैट इज द प्रो रेटा और द रेशो डिसाइडेड बाई द कंपनी तो इसको क्या कहते हैं अगर आपको इक्विटी कैपिटल एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बेसिस पे ऑफर किया जाता है सिक्योरिटीज को एज पर द रेटा पब्लिक इशू है राइट इशू है बोनस इशू है या प्राइवेट प्लेसमेंट देखो इसको क्या किया जाता है अगर आप प्रो रेटा बेसिस पे ऑफर करने वाले हो आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो उसको हम कहते हैं राइट इशू क्या कहते हैं उसको हम राइट इशू ठीक है मतलब ऑलरेडी जो आपके पास शेयर होल्डर्स होंगे वही शेयर होल्डर्स क्या करेंगे वही शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होगा शेयर्स को परचेस करने का बट दैट डिपेंड्स ऑन दोरेटा दैट डिपेंड्स ऑन द रेशो डिसाइडेड बाई कंपनी। तो ये था आपका नाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिलो डैश लेवल ऑफ सेल्स एनपीवी दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव एंड अबाउ दिस लेवल द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव इन मल्टीनेशनल कैपिटल बजेटिंग तो कौन से लेवल के नीचे अगर जाएगा तो आपका एनपीवी नेगेटिव रहेगा और कौन से लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो आपका एनपीवी पॉजिटिव रहेगा ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो सेंसिटिविटी एनालिसिस सिमुलेशन देखो ये सारे मेथड्स हैं कैपिटल बजेटिंग के अंदर तो कैपिटल बजेटिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में ये कवर होते हैं आर एडीआर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट वगैरह सेंसिटिविटी एनालिसिस सिमुलेशन तो ऐसी कौन सी लेवल होती है ऐसी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन की लेवल होती है ब्रेक इवन लेवल के नीचे अगर जाएगा तो एन पी वी नेगेटिव बन जाएगा और ब्रेक ब्रेक इवन लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो नेट जो एन पी वी है आपका पॉजिटिव बन जाएगा तो राइट right आंसर यहाँ पे आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्रेक इवन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ तो काफी इंपॉर्टेंट है दिमाग में याद रख लो फिट कर लो इसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो बहुत सारे आपके इंटरनेशनल रिलेटेड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल एक्सचेंजर रेट फिक्स एक्सचेंजर रेट उसमें इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट फिशर इफेक्ट ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है तो उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का के बारे में पूछा गया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसका प्रोडक्ट है रियल इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एंड मार्केट रेट रियल इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट रेट देखो नॉमिनल रेट जो है वो किसका प्रोडक्ट है मतलब नॉमिनल रेट कैसे बनता है रियल इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को काउंट करते तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट पॉइंट इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग से पूछा गया इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एंड ओनली फाइनेंशियल फैक्टर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ओनली द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं आते नॉन फाइनेंशियल भी कवर होते हैं मतलब दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो कवर होंगे आपके इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीगा के ऊपर दिस इज फ्रॉम दी इंटरनेशनल बिजनेस आईबी से पूछा गया क्वेश्चन मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसको हम मीगा कहते हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसका पार्ट है तो वो भी मैंने एक चार्ट आगे डाला है ताकि आपको वहाँ से सारी चीज़ें रिवाइज हो सके तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी गारंटी एजेंसी जिसको हम मिगा कहते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इज अ सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज एन इंश्योरेंस एजेंसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी तो वर्ल्ड बैंक का सिस्टर इंस्टीट्यूशन है तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज मिगा इज अ सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक तो ये थोड़ा सा डिटेल डाला हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है हमेशा पेपर में आता है कि ब्रिटेन uh, वुड्स के ट्विंस कौन है तो ब्रिटेन वुड्स के ट्विंस कौन है आई एम एफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड आईबीआरडी जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तो कब फॉर्म हुए थे 27 दिसंबर 1945 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो जो भी कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो प्रॉब्लम्स है लिक्विडिटी uh, के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए आईएमएफ फॉर्म हुआ है कॉल्ड एस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और ये प्रमोट करता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को टोटल मेंबर्स कितने हैं 189 है और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या करता है ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को असिस्ट करता है कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ वॉर के वजह से इफेक्ट हुई है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी तो ये थोड़ा सा डिटेल डाला हुआ है मैंने और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो भी मेम्बर्स हैं वो भी याद रखना पेपर में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन ठीक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब फॉर्म हुआ ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कितने ये क्या करता है प्रोवाइड करता है लोन्स टू द प्राइवेट सेक्टर फिर नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विच इज कॉल्ड एस आई कब फॉर्म हुआ 1960 में टोटल कंट्रीज देखो इसमें कितने हैं और इसको हम पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन देने का ये काम करता है और इसी को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो अभी आपको क्वेश्चन आया था मीगा के बारे में 1988 प्रोटेक्ट करता है एफडीआई अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क और आपका लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स तो ये आपके लिए डिटेल वहां पे तो इंडिया इन सभी का मेंबर है सिर्फ लास्ट वाला जो है आईसीएसआईडी इसका इंडिया मेंबर नहीं है तो ये थे आपके लिए चार्ट काफी यूजफुल नेक्स्ट क्वेश्चन एज सैंपल साइज इंक्रीजेस सैंपल एरर अगर आपका सैम्पल जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा समझो पहले आपने थाउजेंड का सैम्पल लिया था अगर आप अभी टू थाउजेंड का सैंपल लोगे तो क्या होगा तो क्या होगा आपका जो एरर है वो एरर क्या होगा कम होगा जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ते जाती है वैसे वैसे एरर जो होता है वो कम होता है तो डिक्रीज होगा आपका एरर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डैश मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वंस ओन मतलब क्या करना किसी और ने जो भी पेपर बनाया किसी और ने जो भी रिसर्च किया उसने किया हुआ रिसर्च आपने क्या कर लिया कॉपी पेस्ट कर लिया और उस पर अपना नाम ऐड करके आगे पब्लिश करने के लिए दे दिया तो ऐसे कंसेप्ट को क्या कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म ठीक है ऐसे को क्या कहा जाता है प्लेगरिज्म देर आर लॉर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर नाम अवेलेबल उससे क्या होता है उससे फाइंड आउट किया जाता है कि आपके रिसर्च में या आपने जो भी इंफॉर्मेशन uh, कलेक्ट किया गया है उसमें कितने कितने परसेंटेज प्लेगराइज मैटर आपने किया है मतलब कहाँ से कॉपी किया है वो सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर बता देता है तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्लेगरिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं दी एडवांटेजेस ऑफ डैश इज दैट इट अवॉइड्स री इन्वेंटिंग द व्हील ऑफ रिसर्च वर्क देखो मतलब क्या है इसका कि ऑलरेडी किसने किसने रिसर्च किया है उसके बारे में वी विल बी आइडेंटिफाई ऑलरेडी ये टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने रिसर्च किया उन्होंने अपने रिसर्च में क्या क्या टेक्निक्स को यूज किया उनके रिसर्च का फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स क्या था ताकि हमको ऑलरेडी पता चले कि एग्जैक्टली exactly उनके रिसर्च में उन लोग ने क्या चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया उस पर हम ध्यान देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द रिसर्च गैप और ये चीज को क्या बोला जाता है सैम्पलिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी या हाइपोथिस तो उसको हम कहते हैं आर ओ एल दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो राइट right आंसर यहाँ पे आपका बनेगा

ऑथर uh, के बारे में पूछा है द बुक ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज इज ऑथर्ड बाय रेंसिस लीकार्ड पीटर ड्रकर डगलस मैक्रीगर या एल्टिन मैवो ठीक है तो ध्यान से ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज जो बुक है अभी बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे बिकॉज ह्यूमन एंटरप्राइज या ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करने वाले एल्टन मायो ही आप मार्क करोगे बट नहीं इसका गलत आंसर है वो एल्टन मायो तो ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज जो बुक है वो किसने लिखा डगलस मैक्रीगर ने यह बुक लिखा है और कब लिखा 1960 में लिखा है ठीक है तो डगलस मैक्रीगर आपको पता होगा थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई भी इन्होंने ही दिया था तो बेसिकली थियोरी एक्स थियोरी वाई आपको पता ही होगा थियोरी एक्स थियोरी वाई फिर थियोरी जेड भी आया है जापनीज लोगों का विलियम आउची ने दिया था तो बेसिकली यहाँ पे जो हमको याद रखना है वो हमें ऑथर के नाम को याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट डैश इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेसिकली ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है देखो इंटेलिजेंस एज रिलीजन या परसिप्शन तो इंटेलिजेंस एज रिलीजन जो है दैट इज रिलेटेड विद इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बट परसिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू दैट राइट आंसर आपका बनने वाला है यहाँ पे परसिप्शन फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में है और परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको पता होगा फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है मॉडर्न अप्रोचेस है ट्रेडिशनल अप्रोचेस है 360 डिग्री अप्रेजल है असेसमेंट सेंटर्स है बार्स uh, होता है बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल ऐसे बहुत सारे मेथड्स है वहां से भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फॉर परफॉर्मेंस एप्रेजल डैश प्रीफर्स टू यूज द टर्म स्टाफ असेसमेंट तो ये भी ऑथर का नाम है मैगिनसन कमिंग लेविनसन आम तो किसने कहा ये ये कहा है कमिंग ने ठीक है कमिंग्स नाम का पर्सन ने ये कहा है कि यूज द टर्म स्टाफ असेसमेंट नेक्स्ट पॉइंट कैश इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ही हम ग्रे पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जानते हैं कम्युनिकेशन भी होता है वैसे तो इनफॉर्मल रिलेशंस इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनफॉर्मल रिलेशंस आर अनप्लैंड एंड अराइज स्पॉन्टेनियसली ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है या कैरेक्टरिस्टिक्स है फीचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस या ऑब्वियसली इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज हायर आर्यल पिरामिड शेप एंड ब्यूरोक्रेटिक तो ये हायरकियल नहीं होता ये ऐसा ही फॉर्म हो जाता है तो ये इसका फीचर नहीं है बिकॉज ये जो दिया है ये फॉर्मल का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे फीचर देखे इनफॉर्मल बोला है तो यह आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे नॉट बोला था मतलब राइट right आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज दी पार्ट रिलेटेड विद योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है Which one of the following is not the factor that increases resistance to change? तो देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें हमेशा not the feature, not the objective, not the characteristic ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से याद करना तो basically इसमें से आप elimination method से जो है उसको कट कर सकते हैं. Which of the following is not the factor that increases the resistance to change? Lack of communication तो कम्युनिकेशन अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका रेजिस्टेंस टू चेंज होगा बढ़ेगा बिल्कुल सही है बढ़ेगा तो ये नॉट द फैक्टर बोल रहा है तो कम्युनिकेट नहीं किया तो आपका रेजिस्टेंस टू चेंज बढ़ेगा बिल्कुल सही है रैपिडिटी एंड एक्सटेंस ऑफ चेंज मेजर और रैपिड चेंजेस अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में रैपिड चेंजेस होते हैं तो वो आप रेजिस्ट कर सकते हो चेंज के लिए बिल्कुल सही है ग्रुप रेजिस्टेंस भी हो सकता है बिल्कुल सही है लेकिन आपका पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर आप आपके कंपनी में एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट है आपकी कंपनीज में अगर एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन है तो क्या वो एम्प्लॉइज या जो जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स uh, होंगे क्या वो चेंज को रेजिस्ट करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये तो आपका गलत है मतलब यहाँ पे नॉट द फैक्टर बोला था तो राइट right आंसर सर आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरो बेस बजटिंग तो जीरो बेस बजटिंग एक न्यू अप्रोच है टू बजटिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑथर का नाम पूछ लिया है तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है हम कोई भी ऑप्शन uh, को टिक मार्क करते हैं तो राइट आंसर यहां पे बनेगा पीटर फायर तो पीटर फायर जो है वो आपका पर्सन uh, है जिन्होंने जीरो बेस बजटिंग 1970 में इंट्रोड्यूस uh, किया गया है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन uh, पेपर में यूजअली पूछे जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली जो हमें अच्छा लगता है ऑथर का नाम वो हम टिक मार्क करके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट ठीक है कौन सा फैक्टर बोल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल तो देखो इकोनॉमिक फैक्टर सोशल फैक्टर कल्चरल फैक्टर, फिर उसके और यहाँ पे नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर बोल रहा है मतलब फिर से नॉट वाला कंसेप्ट है तो यही आपका राइट right आंसर बनेगा तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज फ्यूचर एक्सपेंशन एंड रिडक्शन प्रोग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड डेवलपमेंट ओडीड इन दिड नाइन ऑथर का नाम पूछ लिया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ओडी जो है तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये जो कंसेप्ट है ये किसने लाया था नाइनटीन फिफ्टीज में इट वॉज रिचर्ड बेकार, तो रिचर्ड बेकार नाम के पर्सन थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नाम का कंसेप्ट पहली बार नाइनटीन में लाया है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पार्ट टू का द बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड वॉज ब्रॉट आउट इन जून टू थाउजेंड फोर डैश आई बी ए इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन आर बी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस तो ये जो बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड है ये 2004 में किसने लाया था इट वॉज़ थ्रू इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन तो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के बेसिस पे ये कोड लाया था तो दीज आर द ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वी हैव डिस्कस तो ये थोड़ा सा इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के बारे में डिटेल है कि पर्पज़ क्या है कभी फॉर्म हुआ नाइनटीन फोर्टी सिक्स में और इसकी वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो दो पार्ट हमारे हो चुके हैं अगले पार्ट में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ आ, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक like करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जो लोग सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं महाराष्ट्र सेट की और अगर नेट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियोज काफी हेल्पफुल होने वाले हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर